तो हेलो बड़े दुबई जिस दुनिया पर और आप लोगों के साथ आने प्लान की अमेजिंग से दुनिया में आने प्लान प्लांट पे। तो बेसिकली आज हम नए टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है सिंगोनियम प्लांट पर। हालांकि इस पर मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है, लेकिन जो आज हम ये वीडियो बना रहे हैं ये पूरी तरह डेडिकेटेड होने वाली है गर्मियों में सिंगोनियम प्लांट की केयर कैसे करनी चाहिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि भाई कोई भी बिना मतलब अपने घर से बाहर ना जाए, और घर से बाहर जाए तो मास्क का यूज जरूर करें और साथ ही साथ सैनिटाइजर का यूज जरूर करते रहें। तो चलिए इसके साथ वीडियो शुरू करते हैं और आज का टॉपिक होने वाला है सिंगोनियम प्लांट। तो सिंगोनियम प्लांट का सबसे पहला जो फैक्टर आता है वो आता है सनलाइट। हालांकि बहुत सारे लोगों से पूछा गया है कि भाई सनलाइट किस तरह की रखते हो आप सिंगोनियम प्लांट के लिए, तो लोगों का रिएक्शन यही होता है कि लो लाइट प्लांट है, इंडोर प्लांट है, तो हम इसे कंप्लीट इंडोर रखते हैं या लो लाइट में रखते हैं। हालांकि सिंगोनियम के लिए ये सही नहीं होता है। सिंगोनियम प्लांट को हमेशा ब्राइट लाइट में रखना चाहिए। ब्राइट लाइट में रहेगा तभी इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, वरना इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्लो हो सकती है। तो हमें अपने सिंगोनियम प्लांट को ब्राइट लाइट में रखना चाहिए, इसको लो लाइट में बिल्कुल ना रखें और डायरेक्ट सनलाइट में भी इसे नहीं रखना चाहिए। डायरेक्ट सनलाइट में रखने पे इसका क्या असर हो सकता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। फिर अभी ये देख सकते हैं लीव ये पूरी बर्नआउट हो रखी है, यहाँ से ये देख सकता है ये बर्नआउट हो रखी है। ये इसलिए बर्नआउट हो रखी है कि ये जो प्लांट था मैंने उस टाइम के लिए मैंने धूप में रख दिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ इसकी लीव्स बर्नआउट होना शुरू हुई। तो हमेशा ध्यान रखें कि अगर आपका सिंगोनियम का प्लांट है उसको ब्राइट लाइट की ज़रूरत है, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें क्योंकि वहाँ क्या हो सकता है इसकी लीफ बर्नआउट हो सकती है। दूसरा हो जाता है वाटरिंग हैबिट। गर्मियों में वाटरिंग हैबिट क्या होनी चाहिए? तो सिंगोनियम जो होता है वो ज़्यादा वाटरिंग रिक्वायर्ड प्लांट होता नहीं है, लेकिन आपको फिर भी हर रोज इसमें वाटरिंग करनी है, स्पेशली गर्मियों के टाइम में। गर्मियों के टाइम पे इसमें हर रोज वाटरिंग होनी चाहिए, वरना ये प्लांट धीरे धीरे ड्राई करने लगेगा। इसका भी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि इसमें आप लीफ देख सकते हैं, ये वाली लीफ जो है वो हल्की ड्राई होना शुरू हो गई है। उसका रीज़न यही था कि इसको कुछ टाइम के लिए हमने पानी देना बंद कर दिया था, और जिसकी वजह से ये हुआ कि इसकी लीव्स ड्राई होना शुरू हो गई, क्योंकि इसमें हमने वाटरिंग फ्रिक्वेंटली नहीं की या दो तीन दिन के गैप में करने लगे थे। तो गर्मियों के सीज़न में स्पेशली हमेशा वाटरिंग हर रोज़ करनी चाहिए। या तो आप सूरज उगने से पहले वाटरिंग कर सकते हैं, या सूरज उगने के बाद वाटरिंग करें। सनलाइट में, डायरेक्ट सनलाइट में कभी भी किसी प्लांट को वाटरिंग ना करें। और जो तीसरी बात आ जाती है वो आती है फर्टिलाइज़र की। तो स्पेशली फर्टिलाइज़र आप सभी यूज़ करते ही हैं अपने प्लांट्स को ग्रोथ के लिए कि हमारा प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करे। लेकिन जब ये हार्श गर्मी शुरू हो जाती है, जो ये मई जून वाली गर्मी शुरू हो जाती है, तो इसमें आपको फर्टिलाइज़र को अवॉइड करना चाहिए। इस टाइम आपको फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करना होता। इसका रीज़न ये है कि जो हमारा फर्टिलाइज़र होता है वो गर्म होता है, और गर्मी में प्लांट्स वैसे ही गर्म होते हैं। अगर आप और एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र ऐड करेंगे तो उस गर्मी की वजह से हमारे प्लांट्स की डेथ हो सकती है। तो फर्टिलाइज़र का यूज़ थोड़ा कम करें, स्पेशली गर्मियों के सीज़न में। अगर कर भी रहे हैं तो सिर्फ लिक्विड माइल्ड फर्टिलाइज़र यूज़ करें, जिसमें हल्का फुल्का फर्टिलाइज़र हो, लेकिन ज़्यादा फर्टिलाइज़र से DAP या इस तरह के केमिकल्स बिल्कुल यूज़ ना करें। बाकी अगर आपको प्रोपोगेशन के बारे में, इसकी सॉइल मिक्सिंग के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको जानना है, तो उसकी एक डेडिकेटेड वीडियो हमने बना रखी है, जो कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, और उस पर हमारे बहुत अच्छे व्यूज़ भी आ रखे हैं। तो वो वीडियो आप खुद जाकर चेक कर सकते हैं, वो आपको हेल्प जरूर कर देगी कैसे आपको प्रोपोगेशन करना होता है सिंगोनियम का, और उसी के बारे में वो टोटली वीडियो डेडिकेटेड है। सो होपफुली आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वो लाल वाले बटन को जरूर दबा दें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, और हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा तो हम नई नई वीडियो दिखाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सेवा पीस।